एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 9 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एट ए 1-3। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट करनी है। चीज़ें जो हमें गिवन है वो हमारे पास है रेडियस जो कि है 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन हमारे पास है एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पॉइंट हमें गिवन है ए 1-3। सोल्यूशन है इसका लेट एच के बी सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल दिया गया है जो क्या है एच के विद रेडियस 2 और रेडियस क्या है 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपको याद होगी हमने की थी इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं आई का। फॉर ए पॉइंट ए के लिए करेंगे 1-3 एंड रेडियस आर इक्वल टू 2 आई बिकम्स ये वैल्यूज इक्वेशन आई में पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे -3 पुट करने से हमें मिलेगा 1-h का होल स्क्वायर प्लस -3-k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इनके स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास आएगा 1+8² - 2h प्लस अगले वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9+k² + 6k। 4 वहाँ पे प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा तो -4 = 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8² + k² - 2h + 6k + 6 = 0। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन। लाइन की स्लोप निकालेंगे जो कि हमारे पास है x - y - 4 = 0। स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है -a/b। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं m1 = -coefficient of x और कोफिशेंट ऑफ y। इस इक्वेशन में x का कोफिशेंट हमारे पास क्या है 1 और y का कोफिशेंट क्या है -1। तो -- प्लस हो जाएगा तो m1 हमारे पास क्या आ गया 1। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर C हमारे पास है एच के। रेडियस हमें गिवन है 2 और एक लाइन है टेंजेंट लाइन जो एक पॉइंट को टच करके गुजर रही है। जिस पॉइंट को टच करके गुजर रही है वो पॉइंट है ए 1-3। हमने स्लोप लाइन की तो स्लोप निकाल ली। अब हमने स्लोप निकालनी है स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू एम 2 जिसका फार्मूला हमारे पास है y2 - y1/x2 - x1। तो स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू एम 2 इक्वल्स टू k+3/h-1। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर ये दोनों जो लाइंस हैं वो हमारे पास क्या हैं परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या है कि m1 m2 इक्वल किसके हैं -1 के। तो m1 लिखेंगे जो कि है 1 मल्टीप्लाई m2 लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है k+3/h-1 = -1 के रखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया k+3h-1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया -1 के साथ मल्टीप्लाई होने से इनके सिंबल चेंज हो गए तो -h+1 आ गया। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे k की भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल रहे हैं k इक्वल आ गया -h - 2। पुट इन 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा h² + k की जगह पे आ गया -h - 2 का होल स्क्वायर -2h + 6 फिर k की जगह पे आया -h - 2 + 6 = 0। स्क्वायर ओपन करेंगे जो वैल्यूज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा h² + 8² + 4 + 4h - 2h - 6h - 12 + 6 = 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2h² - 4h - 2 = 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा h² - 2h - 1 = 0। जो हम कॉमन लेते हैं अगर दूसरी तरफ 0 हो तो कॉमन दूसरी तरफ जाके डिवाइड होकर वो 0 बन जाता है इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। तो अब हमारे पास क्या आया h = अब इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे h की तो h = यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है -p + √b² - 4ac/2। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा h = -2 + √-2² - 4(1-1)/2(1) = 2 + √4 + 4/2 = 2 + √8/2 = 2 √8। को सॉल्व करें तो हमारे पास 2√2 आता है तो यहाँ पे आ गया 2 + -2√2/2। 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 + √2/2। 2 2 से कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू आई 1 + √2। दो वैल्यूज़ हैं
एक हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक h की वैल्यू है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हम पहले 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 के लिए करते हैं, इसको k की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा k इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। यहाँ से k की वैल्यू आएगी k इक्वल टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब h इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 के लिए करें तो k इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी k इक्वल टू माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आर, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।